लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। चुनाव से पहले अब दल बदलने का दौर प्रारंभ हो चुका है। दल बदलने वाले नेताओं के लिए इन दिनों बसपा पहली पसंद बन गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में कद्दावर नेता बसपा हाईकमान के संपर्क में हैं, जिसके सियासी कद को तोलने में बसपा के कोऑर्डिनेटर लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदलने की शुरुआत पूर्व विधायक रुचिवीरा से, जिन्होंने सपा की साइकिल से उतरकर बसपा का दामन थाम लिया है। उन्हें बिजनौर से बसपा का लोकसभा उम्मीदवार माना जा रहा है। अब आने वाले दिनों में कुछ और नेताओं के भी बसपा में आने की संभावना है। बसपा के वरिष्ठ सूत्रों के माने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरे दलों के करीब दो दर्जन से अधिक नेता बसपा हाईकमान के संपर्क में हैं, जिसमें भाजपा के 3 विधायक और 2 सांसद भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए यह जनप्रतिनिधि बसपा का दामन थाम सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इसके अलावा दूसरे दलों के भी पूर्व विधायक और संगठन के अहम पदाधिकारी बसपा हाईकमान के संपर्क में हैं और वह बसपा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। नए साल के प्रारंभ से ही बसपा द्वारा इन नेताओं की पार्टी की सदस्यता ग्रहण करानी प्रारंभ की जाएगी। संभव है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के अवसर पर कुछ बड़े नेताओं द्वारा बसपा की सदस्यता ग्रहण की जाए। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष RS कुशवाहा ने कहा कि बसपा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ गया है। सभी को विश्वास है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ही देश की अगली प्रधानमंत्री बनेंगी। अनेक दलों के जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ लोग बसपा हाईकमान के संपर्क में और शीघ्र ही वह पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिसके नाम अभी खोलना उचित नहीं है।